भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर हमारे भारत के कई पत्रकार लोग आए हैं, जिस पर आप से कुछ यहाँ के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय जय भीम। हमारी मीडिया बंधु के तरफ से आपका स्वागत है हमारे मीडिया चैनल धन्यवाद। पे। आप सभी को इस रुमिनी के पवित्र जन्मभूमि में स्वागत है। हम जानकारी लेना चाहते हैं, इस समय वर्षावास का समय चल रहा है, जी जो पूरे देश में, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को लेकर के जहाँ भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित या स्थान है, वहाँ पर भिक्षु लोग निवास करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 3 महीने का वर्षावास चलता है। तो इस वक्त हम लोग भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में ही आए हैं, तो यहाँ से क्या मैसेज आप देना चाहती हैं इस वर्षावास को लेकर के? सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। इस तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी के लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका में आप सब आए हैं, इसके लिए स्वागत है आप सभी को। और साथ में अभी तत्काल लुम्बिनी में भी बौद्ध परंपरा अनुसार जो है वर्षावास शुरू हुआ है। इस वर्षावास में हम लोग भी शामिल हैं और लुम्बिनी के कई जगह पे कई धार्मिक मठ मंदिर, जो बौद्ध धर्म के मठ मंदिर हैं, उसमें भी हर एक राष्ट्र का अपना अपना गुम्बा है। उसमें वो लोग बौद्ध भिक्षु का अगुआ बनाकर वर्षावास कर रहे हैं। साथ में आज 67वां दिन वर्षावास का 67वां दिन पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के अंतराल में 90 दिन का वर्षावास होता है। इसमें बौद्ध गुरु, जितने भी भंते भिक्षु भिक्षुणी लोग रहते हैं, वो लोग बाहर नहीं जाते हैं, बाहर में खान पीन घूम फिर के लिए नहीं जाते हैं। और उस समय बताया गया है जब तथागत बौद्ध गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम हुए थे, बुद्ध हुए थे, उस वक्त वो भी वर्षावास में अपने पैर से कोई भी कीड़ा, कोई भी फतरिंगा, कोई भी जीव जंतु का अपने पैर से ना कुचले, और वर्षा के टाइम उनके सुरक्षा के हिसाब से भी बाहर निकलना उचित नहीं था। इसलिए वो एक अपना आश्रम बनाकर ध्यान तपस्या करते थे। और साथ में बाहर से जितने अनुयायी उपासक उपासिका लोग रहते थे, वो लोग उनको दान करके लाकर खिलाते थे, पिलाते थे। उसी के परंपरा को जीवित रखने के लिए देश विदेश में रहे हुए जितने भी बौद्ध भिक्षु भंते लोग हैं, वो भी उस परंपरा को निभाते हैं। और हमारे यहाँ पर भी राजकीय बौद्ध विहार नामक एक बौद्ध विहार है, उसमें भी उस विहार का संरक्षक श्रद्धेय भिक्षु सागर धम्मा जी हैं। और उसमें लुम्बिनी बौद्ध महिला समिति, लुम्बिनी बौद्ध युवा संघ के पदाधिकारी साथियों ने आज 67वां दिन उस परंपरा को जगाते हुए निरंतर वर्षावास में शामिल होते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक धार्मिक प्रवचन एवं अन्य सत्संग का कार्यक्रम, बौद्ध धर्म का सत्संग का कार्यक्रम होता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं। और 90 दिन का समय जब समाप्त अवधि हो जाएगा, उस दिन हम लोग कठिन चीवर दान करके उस परंपरा को सफल बनाएंगे। इस तरीके से हमारे लुम्बिनी में भी वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है। मैम जी, वर्षावास के अवसर पे उपासक उपासिका और भंते घरों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, देखिए, इसमें तो वर्षावास सबसे पहले खुशी की बात है, तथागत बुद्ध के जन्म स्थल पे वर्षावास शुरू हुआ है। इसमें ज्यादा से ज्यादा भंते भिक्षु भिक्षुणी लोग शामिल हों, और साथ में उपासक उपासिका लोग निस्वार्थ भावना से इस वर्षावास को सफल बनाएं। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आप सभी को पुनः नमस्कार, नमो बुद्धाय जय भीम। ये लोकल गवर्नमेंट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के मैं उप प्रमुख, जिसको डिप्टी मेयर कहा जाता है, डिप्टी मेयर के पद में पदभार होकर निर्वाह कर रही हूँ। आप सभी को स्वागत।